और बहुत सारे लोग जो है ना बहुत बैड कमेंट कर रहे हैं, मैंने ये वाली लाजमी आपसे बात करनी है। सवाल किए हुए हैं, मैं वो सारे सवालों के जवाब दूंगी यार, ठीक है, इसी वीडियो में। आप बना के देखो, अगर आपका चैनल नहीं हो, आप तो बैठे बैठे बैड कमेंट कर लेते हो ना। आप एक दिन बना के, मैंने नैना का रिश्ता कर दिया तो मैंने कोई पैसे वहाँ से लिए, आपने बोला जी रिश्ता तोड़ दो, रहेगी शहजाद के रोकेगी वो हम लोग जाए। तो मेरी YouTube फैमिली कैसी है, उम्मीद करती हूँ ठीक होकर फिटफाट होगी। आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक और फिटफाट हूँ और शुक्र है खुदा का। तो चले आज का व्लॉग करते हैं शुरू। तो आज का व्लॉग है जी, जैसे कि आपको पता था एक दो दिन हो गया शो डाला हुआ था, निशा का जो चैनल था मोनिटाइज होने के लिए जाना था जी। तो बस मैं आ चुकी हूँ निशा के घर पर और निशा भी बैठी हुई है मेरे पीछे। हेलो हेलो बस। तो हाँ, तो आज निशा बहुत खुश है, इनका चैनल जो मोनिटाइज हो चुका है और हम मैंने इसलिए वीडियो बनाई है। तो आपको भी बताऊँ, मेरी बेटी का भी चैनल मोनिटाइज हो चुका है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और इसलिए मैं आई हूँ यहाँ पे इसको मुबारकबाद देने के लिए। तो मैं आप लोगों के कमेंट पढ़, हाँ ये कमेंट पढ़ रही है और आप लोग बहुत अच्छे कमेंट भी करते हैं। तो आज मैं कमेंट पर भी बात करूँगी, जो मेरी वीडियो खास तौर पर निशा के घर पर तो मैं आई हूँ और कमेंट पे भी मैंने लाजमी बात करनी है। और बहुत सारे लोग जो है ना बहुत बैड कमेंट कर रहे हैं, मैंने ये वाली लाजमी आपसे बात करनी है, ठीक है ना। मैंने भी एक वीडियो बनानी है, काफ़ी लोग हाँ। हमारा नाम ले वीडियो में, मैंने आपके कमेंट जो स्क्रीनशॉट कर ली है वो मैं बाद में एक अलग से वीडियो बनाऊंगी, सबके नाम लूँगी जी। तो चले थोड़ी देर के बाद मिलते हैं। बहुत सारे आप लोग हमसे सवाल किए हुए हैं, वो सारे सवालों के जवाब दूँगी यार, ठीक है, इसी वीडियो में दूँगी। तो चले थोड़ी देर के बाद मिलते हैं जी। तो हमने खाना वाना खा लिया था दोपहर का और मैं जा रही हूँ अभी घर पे वापस। तो मैं इसको YouTube की जो मुबारकबाद है वो ही देने आई थी, हाँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और निशा के जो मोनिटाइज है चैनल वो हो चुका है। तो अभी मैं जा रही हूँ घर पे, हाँ, इसको सपोर्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप ज़्यादा से ज़्यादा निशा को सपोर्ट करें और रुषा के काम, और रुषा हेलो बोल दो, हेलो बोल दो, चलो बोल दो, हेलो नानो का पापा कर लो, नानो का पापा। तो अभी मैं जा रही हूँ, अभी मैं जा रही हूँ घर पे, तो जाकर आपको मिलती हूँ घर पे, ठीक है। डांस ही करो, डांस ही करो, डांस भी बहुत करती है ये, डांस ही देखते हैं ये, डांस भी बहुत करती है। तो चले मिलते हैं अभी जाके घर पे जी। तो बस मैं घर आ चुकी हूँ और गीत हेलो बोल दो, और मैंने बहुत ज़रूरी आपसे बात करनी थी, ठीक है ना। तो ये सिर्फ मैंने वीडियो बनाई थी आपके सवालों के जवाब देने के लिए, ठीक है ना। आप लोग बहुत बैड कमेंट करते हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। आप जैसे भी कमेंट करो, ये मुझे नहीं पता, ये मुझे नहीं आप लोग करे, मुझे पता है मैं सबकी वीडियो देखती हूँ, ये सबको आप लोग करते हो, ठीक है। ये मेरे साथ ही नहीं है, सबके साथ है, ठीक है ना। मगर ऐसा नहीं देखो करना चाहिए, मैं इतने बैड कमेंट ये पढ़ पढ़ के कितनी मैं परेशान हूँ और इतनी ज़्यादा मैं बीमार हो गई हूँ। ये मेरी वीडियो क्यों इतनी लेट आ रही है, इसलिए आ रही है, ठीक है। अगले की फीलिंग को तुम लोग तो ऐसे भाई करते हो जैसे पता नहीं क्या समझा हुआ है। जब मैं किसी को करती हूँ ना कमेंट, तो मैंने कभी बैड कमेंट नहीं किए, वो इसलिए नहीं किए उसका दिल ना दुखे, ठीक है ना, वो मुझसे परेशान ना हो, ठीक है ना। तो मुझे कोई हक भी नहीं किसी को करने का, आपको भी नहीं है। अगर आप अच्छे नहीं ना कर सकते तो बुरे भी नहीं करें, ठीक है ना। और रह गई शहजाद के रोके की बात, तो वो मैंने, जाहिर सी बात है ये हम अपने घरों में इतना ज़्यादा उलझे हुए हैं, क्या आपको बताएं। किसी को तो यही पता है ना, वीडियो बना रहे हैं बहुत खुश हैं, भाई हम खुश हैं, मगर बहुत सारी परेशानियां भी हैं जो आप लोगों ने दी है खासतौर, ठीक है ना। ये बैड कमेंट कर करके आप लोगों ने दी हुई हैं, ठीक है। हम लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं आपकी वजह से, यकीन करें मैं इतनी ज़्यादा बीमार हो गई हूँ, मैं पहले भी बीमार थी। ये खुदा ने ऐसा एक रास्ता दिया है सबको, भाई घर पर बैठ के वीडियो बनाएँ, वो पैसा कमाएँ और अपने घर की ज़रूरतें पूरी कर सके। ऐसा तो नहीं है ना बंदा किसी को बैड कमेंट करता है, भाई आप बनाओ, आप बना के देखो। अगर आपका चैनल नहीं हो, आप तो बैठे बैठे बैड कमेंट कर लेते हो ना। आप एक दिन बना के देखो वीडियो, आपको पता चले इंसान कितना थक जाता है, ठीक है ना जी। तो मैं कह रही थी देखें ऐसा ना करें, अपने खुदा से अपने अल्लाह से डरे भाई, सबने अल्लाह को खुदा को जान देनी है। ऐसे किसी के बारे में बुरा उल्टा ऐसा नहीं सोचते, अच्छा सोचें, अच्छा सोचे, ताकि खुदा आप पे जो है अपना हाथ बढ़ा के रखे, अल्लाह आप पे मेहरबानी करे। और देखिए मुझे तो डर लगता है, देखें हम नहीं कहते आपको खुदा पूछे, भाई हम नहीं ऐसा कहेंगे, आप भी किसी की बेटी हैं, किसी का बेटा है, हम तो सबके लिए भाई ज़िंदगी की दुआ मांगते हैं, ठीक है ना। खुदा सबको ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती वाली ये जो
सेहत वाली ज़िंदगी ना वो दे, ठीक है ना। आप बैड कमेंट करते हो, शहजाद ऐसा है, शहजाद वैसा है, शहजाद चर्सी है, भाई मैंने अभी तक नहीं देखा, ठीक है ना। जब मैं देखूँगी ना, अपनी आंखों से देखूँगी, तो फिर मैं आगे बात करूँगी। ऐसा नहीं है, तो मैंने नैना का रिश्ता कर दिया तो मैंने कोई पैसे वहाँ से लिए, आपने बोला जी रिश्ता तोड़ दो, आपने पैसे लिए, मैंने किसी से एक रुपया नहीं लिया। और मुझे कोई ज़रूरत नहीं, शुक्र है खुदा का, जितना भी है मेरे पास है, ठीक है ना। मुझे कोई ज़रूरत नहीं किसी से मांगने की। बकाया रहेगी शहजाद के रोके की, वो हम लोग जाएंगे अगले महीने की 22 तारीख को, ठीक है ना, आप ही देखना। तो मैंने इसलिए नहीं जिक्र किया हुआ, मैंने सोचा चलो जब हम लोग शॉपिंग करेंगे आपको ही साथ साथ दिखाएंगे। आप लोग कह रहे हैं जी नैना का हो गया रोका, तो ये लोग भूल गए हैं, बस ये फेमस करने होने के लिए कर रहे थे, ये करने के लिए कर रहे थे। ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। फेमस करने वाला खुदा है। इंसान किसी को कोई ना एक दिन की रोटी खिला के ना वो भी निकाल लेगा। खुदा जो खिलाता है ना वो वापस नहीं मांगता अपने बच्चों से, ठीक है ना। तो इंसान जो है ना, इंसान वो बहुत होशियार होता है, ठीक है ना। वो एक दिन खाना खिला लेता है ना और दूसरे दिन उसका मुंह देखने वाला होता है, ठीक है ना। और जो फेमस हुई हैं, ठीक है, मुझे पता है भाई उनकी मेहरबानी है, उन लोगों ने हमारा बहुत साथ दिया, ऐसा नहीं है हम लोग भाग नहीं रहे, तो उन लोगों ने साथ नहीं दिया, हमारा बहुत साथ दिया है उन लोगों ने, जहाँ तक हम इस मुकाम तक आए हैं उनकी मेहरबानी है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। और बकाया रह गया आप इतने बैड कमेंट, शहजाद चर्सी है, ये है वो, उनका खानदान पूरा चर्चे। देखें ऐसा नहीं करना चाहिए किसी के साथ। आपने देखा अपनी आंखों से, मुझे बताएं, मुझे कमेंट के नीचे बताएं भाई, कमेंट करें, आपने देखा कभी? मैंने तो नहीं देखा, मैं तो 2-3 दफ़ा गई हूँ, मैंने उनको बताया भी नहीं, ऐसे ही चली गई हूँ देखने के लिए। तो क्या ये आप लोग जो कमेंट करते हैं ये सच है? मगर आज तक मैंने अपनी आँखों से कुछ नहीं देखा, जब देखूँगी तब की बात है, ठीक है ना। यहाँ से हमें भड़का रहे हैं उनके खिलाफ, उनको आप तो भाई वो काम करें जैसे आग जल रही है उसके ऊपर तेल डालने का वाला है, तो उन लोगों ने देना नहीं आपको, देना नहीं, चूतियाँ बना रहे हैं उनको बोल रहे हैं, तो वो आपको देंगे नहीं, वो चूतियाँ बना रहे हैं। कभी वो सही होते हैं, कभी हम लोग सही होते हैं, भाई सही कौन है मुझे बता देना भाई। ये ऐसा नहीं है, बैड कमेंट ही सब करते हैं। अगर कोई 100 बैड कमेंट करता है ना, उसमें 200 कमेंट जो अच्छे भी आते हैं, ठीक है ना। और बहुत सारे मेरे बहन भाई हैं जो हमें बहुत ही अच्छे कमेंट करते हैं, मुझे उन पर नाज है, ठीक है ना। तो और मैं जवाब दो, जवाब क्या तुम आपको जवाब मुझे बताएं, ऐसे कोई सवालों का कोई जवाब नहीं देता, ठीक है ना। आप अच्छे, हम अच्छे, आप सवाल करेंगे तो अच्छा आप जवाब लेंगे, ठीक है ना। और लाजमी मैं दूंगी जवाब, क्यों नहीं देना मैंने, ठीक है ना। मगर ऐसा तो नहीं ना आप इतने गंदे आगे कमेंट कर रहे हैं और आगे से जवाब भी पूछ रहे हैं, भाई किस बात का जवाब दूँ मैं आपको? ये मुझे पता है, ये मेरे साथ नहीं, मैं नहीं चाहती मैं रोऊं धोऊं। मैंने जब ये चैनल बनाया था ना, मैंने एक बात पहले ही बना ली थी, ठीक है ना। बहुत सारे लोग रो के भी फेम हो रहे हैं, भाई मुझे ऐसा फेम नहीं चाहिए। मैं हमेशा आपको खुश ही नजर आऊंगी, ठीक है ना। आज जो डिस्टर्ब किया आपने, जो मुझे परेशानी थी, सब आपकी वजह है, ठीक है ना। बकाया मेरे चैनल पे आप रोना धोना नहीं देखेंगे और ना मैं कभी दिखाऊंगी, मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। कोई रोने से किसी को दे नहीं देगा खाने के लिए, ठीक है ना। अगर मांगना अपने खुदा से मांगेंगे हम लोग, किसी को रो रो के नहीं दिखाएंगे भाई हमें खाने के लिए दो, हम अपने खुदा से मांगेंगे जो हमें देगा, सही है ना। बकाया ये गलत बात है, ठीक है। मैं इतनी ज़्यादा परेशान हूँ, रोज़ आप लोग गलत कमेंट ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। किसी का इतना बड़ा दिल होता है, किसी का भाई नहीं होता, भाई मेरे पास इतना बड़ा दिल नहीं है। रोना तो आता है, मेरा दिल अंदर से रो रहा है, ऐसे ना कह आप मैं रो नहीं रही, मगर मैं चाहती हूँ मैं आपके सामने रोऊं नहीं, अपना दिल मजबूत करके बात करूँ, ठीक है ना। रोना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है वीडियो में, ना मैं कभी रोऊंगी, ठीक है ना। ये आप मजबूर कर रहे हैं, तो खुदा रहा आपकी मेहरबानी है। देखें आप इतने बैड कमेंट नहीं करें, अगर आप मगर अगर मेरी वीडियो नहीं देखना चाहते तो आप नहीं देखें ना, कोई मसला नहीं ऐसा। और ऐसा नहीं है सब लोग बुरे हैं भाई जो देख रहे हैं, नहीं, बहुत अच्छे भी लोग हैं जो मुझे कमेंट करते हैं, बहुत अच्छे, मेरा दिल खुश हो जाता है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जो वो अच्छे कमेंट करता है ना, मुझे लगता है आगे से उसको जवाब देना चाहिए मुझे, ठीक है। मैं देती भी हूँ उसके अंदर, मैं जवाब भी उनको देती हूँ जो मैं अच्छे कमेंट करता है, इंशाल्लाह मैं दूंगी, ठीक है। जिनके अच्छे होंगे कमेंट मैं उनको लाजमी उसके रास्ता भी करूँगी और जवाब भी दूँगी, ठीक है ना। मगर ये देखें आपकी मेहरबानी है, मैं ब्लड प्रेशर की मरीज़ हूँ, मेरा बीपी जो बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, ऐसा नहीं बोले आप, ठीक है ना। अगर कहते हैं आपको कोई मसला है, भाई मैं हट जाती हूँ वीडियो में, मैं वीडियो ही नहीं बनाती, आपको कोई मसला है तो आओ, आपका कोई मसला है तो मुझे बता दे भाई, कंटी आप वीडियो ना बनाएं। मैंने तो वीडियो अपनी ज़रूरत लिए, हर कोई ये चैनल बनाया हुआ है, कोई खुशी के लिए नहीं बनाता भाई। तो आप मैं खाता पीता भाई, मैं चाहता हूँ मैं ये यूट्यूब खोल लूँ जी, मैं ये करूँ वो करूँ, नहीं, हर कोई अपनी ज़रूरत लिए आया है, ठीक है ना, ज़रूरत लिए ये चैनल खोला हुआ है। क्यों
एक तनखा से एक पेमेंट से नहीं घर के जो खर्चे हैं वो पूरे होते। तो मेरा भी कमाने वाला भाई एक ही है, डैनी साहब ही जो कमाते हैं। हम लोग 8 लोग हैं जो घर पे बैठ के खा रहे हैं, 6 बच्चे 2 लोग हम हैं, ठीक है। किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए, ठीक है, खुदा भी नाराज़ होता है। मगर देख ले मेरे कमेंट, किसी को कमेंट मैं करती हूँ, मैंने कभी किसी लिए बुरा नहीं सोचा, ठीक है ना। खुदा कहता है अगर किसी के लिए बुरा सोचना है, अच्छा नहीं ना सोच सकते तो बुरा भी नहीं सोचो, ठीक है ना। तो मैं तो नहीं बुरा सोचती, खुदा की मेहरबानी है। 1 महीने में 2 महीने में देखना मेरा चैनल माशाल्लाह मोनिटाइज भी हो चुका है, खुदा की मेहरबानी है ना, खुदा ने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है, ठीक है। मगर ऐसा नहीं है आप लोग बुरे बुरे कमेंट करें, ये है जी वो है, इनको कौन जानता था, ये भाई चलो उनकी वजह से, ठीक है, हमें कोई भी नहीं जानता था, हमने मान लिया उनकी वजह से हमें सब जान रहे हैं। मगर खुदा की मेहरबानी है, ऐसा नहीं है कोई 6 महीने लग जाते, साल लग जाता, कोई मसला नहीं, हमें भी सब जानते, क्यों नहीं जानते, हर कोई मेहनत कर रहा है यहाँ पे। और बहुत बहुत अच्छी वीडियो लोग बना रहे हैं, मेरी वीडियो का तो पता नहीं मुझे कैसी है, आपको कैसी लग रही है, मगर बहुत बहुत अच्छी वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। बहुत बड़े बड़े भी यूट्यूबर हैं, बहुत छोटे भी हैं भाई, जो छोटे हैं और खुदा उनको भी भाई कामयाबी दे, अल्लाह मियाँ उसको भी कामयाबी दे, और वो भी एक दिन बड़ा यूट्यूबर बने। हर कोई मेहनत कर रहा है इस पर भाई, मेरी तो दुआ है, सबके लिए दुआ है, ठीक है ना। आप भी दुआ किया करो, कोई मजबूरी के लिए आता है, कोई मजबूरी के लिए सामने आता है, कोई इसका शौक नहीं है। और आगे डैनी साहब की बात, भाई मैंने तो बहुत ज़्यादा बोला है डैनी साहब को, सामने आए भाई, सामने आए, दोनों बनाते हैं मिलके, पूरी फैमिली बनाएंगे, वो नहीं आते भाई, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है ना। तो ये ऐसा प्लेटफार्म है जो एक इंसान को तो सामने आना ही आना था, तो वो मैं आ गई हूँ। ये एक ऐसा आदमी है जो कैमरे के पीछे है भाई, वो कैसा आदमी है, वो भी उसकी मर्ज़ी है भाई, कोई नहीं आना तो वो कोई किसी के साथ तो कोई ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, किसी की अपनी मर्ज़ी है, ठीक है ना। वो जब आना चाहेगा उसकी भाई मर्ज़ी है, मैं उसको ज़बरदस्ती नहीं कर सकती, ठीक है ना। बकाया मेरी वीडियो छोटी थी, बस यहाँ तक थी, तो मैंने आगे मज़ीद कुछ भी नहीं कहना। मैं बहुत परेशान हूँ आपके कमेंट से, खुदा की कसम, आप ऐसे कमेंट किसी के, मुझे नहीं, ये मुझे दुख हो रहा है, किसी को भी नहीं किया करें। हर इंसान का दिल होता है, वो दुखता है, ठीक है ना, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। वो सोचे भाई, मैं सोचती रहती हूँ पता नहीं आप लोग सही हैं, आप लोग पता नहीं आपने कुछ देखा हुआ है शिदात का, भाई एक माँ हूँ, मेरे दिल में ये सारी बातें आती हैं ना, क्या इन लोगों ने कुछ देखा होगा शिदात का, क्या इन लोगों ने देखा जो चर्सी चर्सी बोलता रहता है, ये करते हैं वो करते हैं, भाई ये लोग मतलब जानने वाले हैं शिदात के, भाई मेरे दिल में ऐसी बातें आती हैं। देखें आपकी मेहरबानी है, हमारे 2 खानदानों में आप खराबी नहीं डालें, ठीक है ना। और शिदात की मुझे बातें अच्छी लगती थी, मैं वीडियो देखती थी, और गोपाल भाई मुझे अच्छे लगते थे, सोनिया अच्छी लग, और पूरी फैमिली की मैं वीडियो देखती मुझे अच्छी लगती थी, इसलिए मैंने रिश्ता वहाँ पे किया, ठीक है ना। मुझे उनकी फैमिली में कोई ख़राबी नहीं लगती, हंस मुखड़े हैं, खुश मजाक के लोग हैं, वो ऐसा नहीं है, वो तो अच्छे नहीं है। मैं उनके साथ बैठती हूँ जाके, मुझे अच्छा लगता है उनके साथ बैठना, और नज़र भी आते हैं भाई। मंदी थोड़ी हूँ तो शिदात नशा करेगा, मैं अपनी बेटी दे रही हूँ, मंदी नहीं हूँ, 1 साल मैं डालूँगी, ये मैं हमने अभी रोका किया है, मज़ीद आगे जाके मंगनी भी करेंगे, 1 साल बहुत होता है इंसान को देखने के लिए। और मैं देखूंगी भी शिदात को, मैंने बेटी वहाँ पे देनी है, ऐसा मसला नहीं है, तो मैंने वहाँ पे कोई भी वो देखना नहीं इनको जाके, इंशाल्लाह मैं आगे मज़ीद उनको देखूंगी और, ठीक है ना। अभी तक तो जहाँ तक मैंने देखा था वो लोग बहुत अच्छे हैं, तो चलो खुदा करे आगे भी वो अच्छे ही रहें। और मेरा जो दामाद है, और मैं तो खुदा से दुआ करती हूँ जो आप लोग कह रहे हैं वो सच ना हो, ठीक है ना, मैं तो ये दुआ करती हूँ, ठीक है ना। तो आगे भाई आपकी मर्ज़ी है, ठीक है ना, आपने कैसे कमेंट करने हैं ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है ना। बकाया मुझसे, मैं किसी से भी डर से ही ऐसा नहीं मैं अपना चैनल बंद कर दूँगी, ठीक है ना। कि मैंने चैनल खोला है भाई, सबकी मजबूरी होती है, मेरी भी कोई मजबूरी है, मैंने भी खोला हुआ है, अपनी खुशी लिए थोड़ी आई हूँ सामने। तो चले व्यूअर्स, आज की वीडियो अगर आपको कोई भी बात बुरी लगी हो तो मैं दिल से सॉरी बोलती हूँ, ठीक है ना। अगर कोई भी आपको बुरी लगी हो तो भाई मुझे माफ़ कर देना, बकाया जो मेरे दिल में है मैंने आपको सब बता दिया। आज के बाद जो अच्छा मुझे कमेंट करेगा, जिसका अच्छा मुझे कमेंट लगेगा, मैं उसका कमेंट भी पिन करूँगी, और मेरी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से मैं उसको दुआ भी दूँगी, ठीक है, ठीक है ना। तो और मैं यही कहना चाहती हूँ, और रहेगी क्रीम की बात, तो क्रीम भी इंशाल्लाह मैं आपको फार्मूला भी इसी वीडियो में बताती हूँ, जो नेक्स्ट वीडियो मेरी आएगी ना वो फार्मूले में मैं बता देती हूँ। मेरा जो कलर है ना फेयर ही है, इतना ब्लैक नहीं है, और ये जो मैंने आप बोलते ना फिल्टर लगाया, मैंने फ़िल्टर नहीं लगाया कैमरे का, वो ही जो होता है मोबाइल का जो कैमरा है वो ही है इसका, ठीक है। मैंने कोई फिल्टर इस्तेमाल नहीं कर रही, वो मानना ना मानना वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है ना। बकाया मैं आपको बता दूँ मेरे कैमरे के आगे फ़िल्टर नहीं लगा।
ठीक है ना। और आपने लाजमी बताना कमेंट में, तो मैंने कोई गलत बात तो नहीं की। अगर कोई गलत बात लगती है तो भाई मुझे कमेंट में बताएं, कंटी आपने वो गलत बात है, ठीक है ना। हर इंसान है, हर किसी को दुख लगता है, मगर ऐसा नहीं कहना चाहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग के साथ। खुदा हाफिज़।